नगर प्रेस क्लब सिंगोड़ी के पत्रकारों ने दिया चौकी प्रभारी को ज्ञापन। अमरवाड़ा सिंगोड़ी में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को बदनाम करने वाले फर्जी पत्रकारों के खिलाफ आज नगर प्रेस क्लब सिंगोड़ी के पत्रकारों ने एकजुट होकर आज सिंगोड़ी पुलिस चौकी पहुंचकर चौकी प्रभारी अभिषेक प्यासी को फर्जी पत्रकारों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। इस अवसर पर नगर प्रेस क्लब सिंगोड़ी के अध्यक्ष अशोक राजू सतीजा ने बताया कि क्षेत्र में लगातार शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को फर्जी पत्रकार बताकर चमका धमका कर अवैध रूप से पैसे वसूली और सीएम हेल्पलाइन 181 करके आरपीआई लगाने की धमकी देने वाले फर्जी पत्रकारों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर पुलिस चौकी सिंगोड़ी पहुंचकर समस्त पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपा। वहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की छवि धूमिल करने वाले फर्जी पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग नगर प्रेस क्लब सिंगोड़ी ने की है, ताकि स्वच्छ साफ ईमानदार छवि वाले पत्रकारों की छवि धूमिल ना हो सके। वहीं सिंगोड़ी सहित इनके आसपास के क्षेत्र में बहुत से फर्जी पत्रकार पैसे उगवाही को लेकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। वहीं चौकी प्रभारी अभिषेक प्यासी ने भी सिंगोड़ी के पत्रकारों को आश्वस्त किया है कि यदि ऐसा कोई भी शिकायत आता है तो उसकी जाँच कर वैधानिक रूप से नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से ममता गुप्ता की रिपोर्ट। लगातार फर्जी पत्रकारों के द्वारा अवैध वसूली आरटीआई और सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत करके और उसमें अवैध वसूली की जा रही है, इस हेतु कार्रवाई हेतु सिंगोड़ी चौकी प्रभारी महोदय को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की गई है और साथ ही ये निवेदन जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि जो पत्रकार हैं उनकी छवि धूमिल हो रही है। क्लब सिंगोड़ी ने आज ज्ञापन दिया है कि फर्जी पत्रकार क्षेत्र में अवैध कामों में लगे हैं, जैसे ही शिकायत इस संदर्भ में प्राप्त होगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और ज्ञापन स्वीकार किया गया है और जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी की जाएगी।